नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक। दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आए हैं, कल से एक खबर चल रही है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो है 54 एप्लीकेशंस को बंद कर दिया है, बैन कर दिया है प्ले स्टोर से, और ये सभी चाइनीज ऐप थे। और दोस्तों, ये आप लोगों को बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस लिस्ट में काफ़ी सारे ऐसे एप्लीकेशन शामिल थे जो कि तकरीबन बहुत सारे लोग चलाते थे, जैसे कि ऐप लॉक आप देख सकते हैं, या एक कैमरे का ऐप आता था ब्यूटी प्लस करके। ये जो एप्लीकेशन हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा यूज़ में आते थे, यूज़ किए जाते थे। और दोस्तों, एक बहुत फेमस गेम था फ्री फायर करके, उसको तो 100 मिलियन प्लस से ज़्यादा डाउनलोड्स मिले थे। इन सभी को बैन कर दिया है दोस्तों। बैन की हमारे पास पूरी लिस्ट भी है, वो लिस्ट भी हम आपको बताएंगे। आप यहाँ प्ले स्टोर पर जाएं और आप यहाँ पर जब लिखते हैं दोस्तों ऐप लॉक, तो ये जो ऐप लॉक करके आता था ऐप, ये करता क्या था, ये सभी एप्लीकेशंस के ऊपर लॉक लगा देता था। ऐसा आजकल के और मोबाइल फ़ोन्स में ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आने लगा है। अब हमें अलग से ये ऐप्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये हमारे सभी ऐप्स को लॉक कर देते थे। हम उनमें पासवर्ड डालते थे उस तरीके से। इसी के साथ दोस्तों, जो फ्री फायर है, ये किसी किसी को अभी दिख सकता है उनके मोबाइल फ़ोन्स में, लेकिन दोस्तों ये जो है, हम कह सकते हैं कि कुछ टाइम में, कुछ दिनों बाद ये बिल्कुल यहाँ से बंद हो जाएगा और यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा पूरी तरीके से। दोस्तों, इसको बैन कर दिया गया है। और जो लिस्ट है, वो लिस्ट हम आपको दिखा देते हैं। ये जो लिस्ट है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये 54 एप्लीकेशंस हैं। और ब्यूटी कैमरा, स्वीट सेल्फी HD, ब्यूटी कैमरा, सेल्फी कैमरा, इक्वलाइजर, म्यूजिक प्लेयर, म्यूजिक प्लस, इक्वलाइजर प्रो, वीडियो प्लेयर मीडिया, म्यूजिक प्लेयर, वॉल्यूम ब्यूस्टर, कैम कार्ड, आइसोलैंड, राइस ऑफ किंगडम्स। ये इस तरीके से दोस्तों आपको जो पूरे एप्लीकेशन दिख रहे हैं, इसमें आपको 54 नंबर पर जो दिख रहा है फ्री फायर एलिमिनेटेड, ये सभी एप्लीकेशंस को जो है दोस्तों हटा दिया गया है। इनको हटाने के पीछे की वजह क्या है, इनके हटाने के पीछे की वजह थी, गवर्नमेंट का ऐसा मानना था कि ये सभी एप्लीकेशंस पर जो यूज़र्स थे, और दोस्तों कुछ ऐप तो ऐसे हैं जिन पर बहुत ज़्यादा मिलियंस में यूज़र थे, रजिस्टर्ड थे, उनको यूज़ कर रहे थे, ये सभी एप्लीकेशंस, ये कंपनीज जो है उन लोगों का डेटा यूज़ कर रही थी और उन लोगों के डेटा का मिसयूज़ भी किया जा रहा था। और जो सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ज़्यादा हानिकारक था, क्योंकि ऐसे में आपके मोबाइल फ़ोन्स की जानकारी और भी सारी ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो एक मोबाइल यूज़र को नहीं पता होता है, और मोबाइल यूज़र एप्लीकेशंस को और भी सारी चीज़ों को बिना बताए ही हम कह सकते हैं कि फ़ोन में चलाता रहता है। और उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आपका डेटा, आपके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन और भी काफ़ी सारी मेमोरीज, चीज़ें जो है किस तरीके से यूज़ की जाती हैं, देखी जा सकती हैं और उनका मिसयूज़ हो सकता है, ये समझ नहीं आता है। तो दोस्तों, ये पूरे जो है 54 चाइनीज़ ओरिएंटेड एप्लीकेशंस थे जो कि रन कर रहे थे, और इनको जो है प्ले स्टोर से और सभी जगह से इनको हटाया जाएगा, हटा दिया गया है 54 एप्लीकेशन जो है। इसी तरीके की जो डिजिटल स्ट्राइक कही जाती है दोस्तों, ये कुछ दिनों पहले भी इंडियन गवर्नमेंट ने की थी, और काफ़ी ऐसे एप्लीकेशंस थे जो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते थे, उन्हें हटा दिया गया था। इस तरीके से ये एप्लीकेशंस भी हटाई गई हैं दोस्तों। आगे चलकर भी और ऐसे एप्लीकेशंस को गूगल प्ले स्टोर से हटाया जाता है जो आप यूज़र्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाए जाते हैं और डेटा का मिसयूज़ किया जाता है, और उसमें सुरक्षा चूक भी जब होती है दोस्तों, तो मोबाइल यूज़र्स को बहुत बड़ा घाटा उठाना पड़ता है, ये बहुत कम लोगों को समझ आता है। आज आप लोगों को लगेगा दोस्तों कि ये ऐप हम चलाते थे और ये ऐप क्यों रिमूव कर दिए गए, काफ़ी अच्छे ये ऐप थे, लेकिन दोस्तों बैकएंड में जो प्रोसेस चलती है वो किसी को पता नहीं होती है, और डेटा किस तरीके से यूज़ किया जाता है ये भी आप लोग नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, जो भी कदम उठाया गया है बहुत अच्छा कदम है, सुरक्षा की दृष्टि से यही कहा जाता है कि जो प्ले स्टोर पर हों, प्रोटेक्टेड हों, जिन ऐप्स को आप जानते हो, जिनका फीडबैक अच्छा हो, जिनकी रेटिंग अच्छी हो, इन सभी चीज़ों को देखकर एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कीजिए, उनका यूज़ कीजिए, और जितना यूज़ हो उतना यूज़ करने के बाद जो है आप उनको हटा सकते हैं, या आप बैकएंड से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो होती हैं दोस्तों वो आप दे सकते हैं, और उसमें आप सुरक्षित भी रहेंगे और आपको जो यूज़ करना है वो यूज़ भी आप आसानी से कर पाएंगे। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आया होगा, क्यों ये एप्लीकेशंस बैन किए गए ये भी समझ आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भी लोगों को जागरूक कीजिए, कमेंट के माध्यम से बताइए आप कौन सा ऐप चलाते थे,
जो एप्लीकेशन इस लिस्ट में अनइंस्टॉल करके रिमूव कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।